हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ कला सच को। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए। तो आप जानते हैं मित्रों कि प्रतिदिन 3:20 में क्लास दिया जाता है सुबह। कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाने के कारण टाइम पर कभी ऐसा हो सकता है कि ना मिल पाए, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि 3:20 में ये क्लास आपको मिल जाए। ठीक है, तो 3:20 में आपको प्रतिदिन क्लास मिलेगा। ठीक है ना, 99% है कि आपका क्लास जो है से उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, इसलिए सुबह 3:20 आप लोग जगिए और क्वेश्चन करिए। आप अगर प्रतिदिन क्वेश्चन करते हैं तो यकीन माने कि आप बिहार बोर्ड में अगर एग्ज़ाम देने के लिए अगर जाइएगा, जहाँ सेंटर रहेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए अभी से हम तैयारी स्टार्ट करवा दिए हैं आपको। तो अभी तो हमको एग्ज़ाम तो आप लोगों को फरवरी में देना है, तो फिर भी हमने अभी से ही स्टार्ट कर दिया ताकि सारा क्वेश्चन जो है सो कंठस्थ नहीं बल्कि ओठस्थ रहे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी? आप लोग आंसर कमेंट करें। और बहुत सारे विद्यार्थी अभी नहीं जुटे हैं, उनको उठाइए और लेकर के आइए, जगाइए सबको। ठीक है, आप लोगों को नींद खुलवाने के लिए हम आ जाते हैं 3:20 में। ठीक है, तो क्लासेज जो है प्रतिदिन दी जाती है, तो आप ज़रूर करें। तो जितना आलसी बरतेंगे उतना ही आपको छूटता जाएगा। अभी एक बार मेरे साथ पढ़ ले, उसके बाद दो बार, दूसरा बार भी इसको पढ़े दो के स्पीड से। अगर आप सब प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अगर आप नहीं दे पाएँ सही सही, तो आप एक बार और देखिए दो के स्पीड से। और अगर सही प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सही दे दिए हैं तो आपको दूसरा बार देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो प्रश्न जो याद है उसके बार बार देखने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, लेकिन रिविजिंग में रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, आपका परम कर्तव्य है। तो युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी आप लोग बताएंगे, वार एंड पीस बताइएगा मित्र। युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी, तो जो युद्ध और शांति जो पुस्तक है मित्रों, वह लिखे टॉलस्टॉय ने। किसने लिखा था? टॉलस्टॉय ने, जो कि रूस के रहने वाले व्यक्ति थे। तो टॉलस्टॉय ने लिखा था, लियो टॉलस्टॉय इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो वह युद्ध और शांति का तक लिखे थे। हमने जो पिछले क्लास में क्वेश्चन करवाया था मित्रों, ठीक है ना, हमको ध्यान नहीं रहा, मिस्टेक से बोला गया था, लोहा के उत्पादन में पहला स्थान कौन रखता है? तो भारत में जो लोहा का उत्पादन पहला स्थान रखता है वह कर्नाटक, हमसे उड़ीसा बोला गया था, जबकि उड़ीसा जो है मैग्नीज उत्पादन पहला स्थान। ठीक है, तो फिलहाल आप इसका सही जवाब दीजिए। फर्स्ट का तो हो गया क्या, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी, तो टॉलस्टॉय ने लिखा था। ठीक है मित्रों, तो ध्यान दीजिए, एक अन्ना करेनिना भी किताब लिखी थी टॉलस्टॉय ने। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम क्या है? जल्दी से आंसर कमेंट करें कि कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम क्या है। जल्दी बताइए कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम क्या है? युद्ध और शांति है, दास कैपिटल है, या फिर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, या फिर बी और सी, बताइए। कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम ये है या फिर ये है या फिर ये है, यही आप जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों, जो कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक का नाम है वह है दास कैपिटल। ठीक है ना, दास कैपिटल, इसलिए बी ऑप्शन सही है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो देखते हैं कि बी और सी अगर है तो उसी को सही कर देते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे सही जवाब होना चाहिए दास कैपिटल का। कार्ल मार्क्स ने जो पुस्तक लिखी थी वो दास कैपिटल लिखी थी। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो किया था मित्रों, वह किया था, आप लोग बताइए, उसके बाद हम लोग जवाब देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप जवाब देते रहें, है ना। लाइव चैट रुकना नहीं चाहिए, लाइव चैट में आप आंसर देते रहें। कोई विद्यार्थी ऐसे होते जो मेन कमेंट में आंसर देते हैं, लाइव चैट में आंसर दीजिए। ठीक है,
लाइव चैट है, बहुत सारे विद्यार्थी आपको दे रहे होंगे, ठीक है ना। काल मार्क्स की पुस्तक का नाम बताइए क्या, तो वो तो हो गया रूस, रूस की बोलसेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, रूस की बोलसेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था बताइए। तो जो रूस की बोलसेविक क्रांति का नेतृत्व किया था मित्रों, वह किया था लेनिन, किसने किया था लेनिन। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था मित्रों, आंसर कमेंट करें, लेनिन की मृत्यु कब हुआ था, जल्दी 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 आंसर कमेंट करें मित्रों, लेनिन की मृत्यु कब हुआ था, नहीं पता है, अच्छा जवाब दे रहे हैं ना, ठीक है। 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुआ था, अच्छा बताइए कि स्टालिन की मृत्यु कब हुआ था, हम बताइए स्टालिन की मृत्यु कब हुआ था, ठीक है 1953 ईस्वी में स्टालिन की मृत्यु हो गया था, ठीक है, बहुत ही क्रूर शासक, ठीक है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम दस कैपिटल, और रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, लेनिन ने किया। इसी तरह से चौथा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए मित्रों, कौन सा सही जवाब है, फोर नंबर क्वेश्चन आंसर कमेंट करें, चौथा नंबर क्वेश्चन। समाजवादियों के बाइबल किसे कहा जाता है बताइए, समाजवादियों के बाइबल किसे कहा जाता है, आंसर कमेंट करें, समाजवादियों की बाइबल किसको कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब, आपको तो पूरी तरह से याद है, क्या प्रश्न है और क्या आप लोग हैं, प्रश्न के चकनाचूर कर दे रहे हैं ना, एकदम के क्वेश्चन के खोपड़ी में कर दे रहे हैं छेद छेद। समाजवादियों के बाइबल किसको कहा जाता है मित्रों, तो वह कहा जाता है, समाजवादियों को बाइबल कहा जाता है दास कैप्टर, किसको कहा जाता है मित्रों, दास कैप्टर को कहा जाता है, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा मित्रों। मैं बता दूं कि अप्रैल थीसिस किसने लिखा था, सबसे पहले आप बताइए अप्रैल थीसिस किसने लिखा बताइए, तो अप्रैल थीसिस भी किसने लिखा था, लेनिन ने लिखा था, किसने लिखा था, लेनिन ने अप्रैल थीसिस लिखा था। अच्छा बताइए सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बताइए कमेंट में आंसर दीजिए, किसने लिखा, सब है ना, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो लिखा मित्रों रूसो ने लिखा था, ठीक है, इसी तरह से जवाब आते रहना चाहिए, ठीक है ना। देखना है कि सबसे पहले कौन कौन व्यक्ति उत्तर देते हैं, है ना, किस तरह से आप लोग आंसर देते रहें। दास कैपिटल किसके समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है, जिसको कार्ल मार्क्स ने लिखा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को रूसो ने लिखा, अप्रैल थीसिस को लेनिन ने लिखा, इस बात को आप ध्यान दीजिए। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिएगा मित्रों, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था बताइए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, पांचवा क्वेश्चन का जवाब दें, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ बताइए, बताइए साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। तो जो साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था मित्रों, वह सबसे पहले हुआ था कहाँ, रूस में, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जवाब आ रही है, इसी तरह से आप लोग उत्तर जो है से देते जाइए, ठीक है। साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था वह हुआ था रूस, कहाँ हुआ था मित्रों, रूस में, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, रूस में। अगला क्वेश्चन छठा नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था बताइए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था या जर्मनी में हुआ था या इटली में हुआ था या रूस में हुआ था, आपके सामने ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग जल्दी बताएं कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था मित्रों वह हुआ था
जर्मनी में, ट्रियर नामक प्रांत। तो जर्मनी में इनका जन्म हुआ था, जानते हो कब? 1818 ईस्वी में जन्म हुआ, और 1883 ईस्वी में मर गए थे, है ना। 1843 ईस्वी में इनके बचपन के मित्र जेनी से शादी कर लिए थे। सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। अगला क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा, 2012 में पूछा, 2018 में पूछा, 2020 के एनुअल एग्जाम में फर्स्ट सेटिंग में पूछा, 2020 के भी सेकंड सेटिंग में पूछा। कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था इसको जरूर बताएं मित्रों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको नहीं याद है तो दूसरा चैप्टर आप क्यों पढ़ रहे हैं, समाजवाद एवं संघवाद। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था मित्रों? तो जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी हुआ था, ठीक है, आप इस तरह जवाब देते रहें, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था इसी तरह से, एकदम मतलब जो कमेंट बॉक्स है, जो लाइव चैट हो, बिल्कुल एकदम झंकृत होता रहा, इतना स्पीड से चले आपकी आंसर से, है ना। आप आंसर देते रहें, आप केवल देखिए नहीं, आंसर दीजिएगा तो आपको नींद भी नहीं आएगा, और आंसर दीजिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ हम जानते हैं, अगर सही होता है तो। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी मित्र? तो बोल्शेविक क्रांति हुआ था 1917 से, चाहे तो अक्टूबर 1917 का ही है, चाहे नवंबर 1917 की ही, क्योंकि आप जानते हैं कि रूस में दो तरह की कैलेंडर चलती थी, एक ग्रेगोरियन कैलेंडर था, एक जूलियन कैलेंडर था। तो जो जूलियन कैलेंडर था वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से 13 दिन पीछे चलता था। कहने का मतलब हुआ कि जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता था ग्रेगोरियन कैलेंडर। जो हम लोग के आज जो कैलेंडर देखते हैं जितना तारीख होता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए कि 25 अक्टूबर की क्रांति हो 1917 में, तो उसका अगर हम 13 दिन जोड़ते हैं मित्रों तो कितना हो जाता है? 7 नवंबर हो जाता है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 25, 6, 31, 31 और 7, यानी 7 नवंबर। तो 25 अक्टूबर का ये या 7 नवंबर का ये 1917 ईस्वी में हुआ था बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति को आप बोल सकते हैं रूसी क्रांति भी कर सकते हैं, अक्टूबर क्रांति कर सकते हैं, नवंबर क्रांति भी कर सकते, विभिन्न तरह से नाम है इसका। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों सी ऑप्शन, ठीक है। आप जानते हैं कि 1905 ईस्वी में रूस जो है सो जापान से हार गया था, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? आप लोग जवाब दें, ऑप्शन आपके सामने है। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था आप लोग बताएं? तो आप लोग जो है इसी तरह से आंसर देते रहें। जो दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था मित्रों हुआ हुआ था 1867 से, कब हुआ था? सी ऑप्शन, मतलब 8वां का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जो, ठीक है। 1867 से दास कैपिटल के मतलब। अगला देखिए क्वेश्चन मित्रों, 9वां नंबर, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो शायद अपना ही मैंने बताया था, युद्ध और शांति हिंदी में था, तो इंग्लिश से बोलते हैं वार एंड पीस। तो वार एंड पीस की रचना, इसमें हम लोग देर नहीं करेंगे, वार एंड पीस की रचना होती है, कौन किया था? लियो टॉल्स्टॉय ने किया था। किसने किया था? तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब बताइए। 10 नंबर क्वेश्चन, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है? बताइए जल्दी आंसर कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, जब मार्क्स ने 1867 ईस्वी में जो पुस्तक की रचना की थी जिसको साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है, उस पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर, और 11वां क्वेश्चन का आप लोग, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सही जवाब देंगे। कहिए कि क्वेश्चन है सर क्या बताए, ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि किन देशों के बीच होता है? बताइए तो ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि की हुई थी मित्रों, अब जल्द से जल्द आंसर कमेंट करें। ऑप्शन दिया गया है रूस और इटली, रूस और फ्रांस,
रूस और इंग्लैंड या रूस और जर्मनी, बताइए कौन सा सही जवाब है। तो इसी तरह से फटाक दे पर आंसर दीजिए ताकि फटाक दे पर मांगे चले, ठीक है। तो ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि किन देशों के बीच हुई थी मित्रों? तो इसका सही जवाब है रूस और जर्मनी के बीच, समझे कि नहीं? रूस और जर्मनी के बीच हुई थी, ठीक है। जर्मनी रूस और जर्मनी रहेगा तो सही उत्तर है, चाहे रूस और रोमन साम्राज्य कह सकते हैं या फिर रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी कह सकते हैं, ठीक है ना, या फिर रूस और जर्मनी कह सकते हैं या फिर रूस और बुल्गारिया कह सकते हैं। तो इनके बीच हुआ था ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार रूस और जर्मनी हो जाए। तो 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका सही जवाब दीजिए आप मित्रों, 12वां क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? साम्यवाद के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? ऑप्शन है लेनिन, स्टालिन, जेदांग, कार्ल मार्क्स। तो साम्यवाद के जो संस्थापक माना जाता है मित्रों, इसी तरह से उत्तर देते रहे। आंसर आप जितना दीजिएगा उतना ही अच्छा होगा और आपको फीलिंग भी अच्छी लगेगी कि हमारी आंसर दिया और हमारा हमारा आंसर जो है सही निकला। तो साम्यवाद का संस्थापक जो थे वो कार्ल मार्क्स थे, ठीक है, कार्ल मार्क्स, ठीक है, जिनके जन्म ही है कब हुई थी 1818 और 1883 हमारी, ठीक है। कार्ल मार्क्स का एक बहुत ही अच्छा दोस्त है फ्रेडरिक एंगल्स थे, ठीक है ना, फ्रेडरिक। देखिए साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे बताइए? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक क्या लियो टॉल्स्टॉय थे या फिर क्या ट्रॉट्स्की थे, क्या लेनिन थे या फिर बताएं या फिर कार्ल मार्क्स थे, बताइए कौन थे? कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे, बताइए। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक बताइए कौन थे। इसी तरह से आंसर कमेंट होते रहना चाहिए, पेंसिल कमेंट करते रहें, ठीक है। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, 13 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। 14 रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो रूस में जो कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था मित्रों, हुआ था, आप लोग आंसर कमेंट करें, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो रूस में जो कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था मित्रों, वह हुआ था 1861 से, बताइए किसने किया था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत किसने किया था, जल्दी आंसर कमेंट करें। तो तो ठीक है, रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत किया था जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था, किसने किया था? जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत किसने किया था? जार अलेक्जेंडर द्वितीय, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे मित्रों, रूस में जार का क्या अर्थ है? ये तो आपको मुंह पर हो ना, हमको तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे प्रश्न का उत्तर जो है सब लोग कंठस्थ नहीं बल्कि उठस्थ, कंठस्थ नहीं बल्कि उठस्थ रखते हैं ऐसे प्रश्न का उत्तर। तो जल्दी जवाब दें, रूस में जो जार का अर्थ होता है मित्रों वह होता है, बिल्कुल आप सही जवाब दिए, रूस का सम्राट। ऐसा ना करिएगा कि रूस के सामंत मार दीजिए, सामंत बड़ी खराब चीज होती है, रूस का सम्राट हो जाएगा, ठीक है। रूस में जार का जो अर्थ होता है वह रूस का सम्राट होता है, ठीक है। तो रूस के सम्राट कौन थे मित्र? जब रूसी क्रांति हुआ था तो उस समय था जार निकोलस द्वितीय था। तो कृषक दास प्रथा का अंत किसने किया था? जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। कृषि प्रथा का अंत जो कृषि दास प्रथा का अंत जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था, लेकिन वहाँ के जो राजा रूस का था तो वह था जार निकोलस द्वितीय।
तो 16 नंबर क्वेश्चन के आप लोग जवाब देंगे मित्रों, ठीक है। रॉबर्ट ओमन कहाँ के निवासी थे, ठीक है। तो दोनों में नाम इसलिए मैंने ले लिया, जार अलेक्जेंडर द्वितीय और जार निकोलस द्वितीय का, ताकि दोनों में कंफ्यूजन ना रह जाए। कृषि दास प्रथा का अंत किसने किया और राजा कौन था, तो राजा तो कौन थे भाई, जार अलेक्जेंडर द्वितीय जो था वो कृषि दास प्रथा का अंत किया, और जार निकोलस जो द्वितीय था वह जानते हैं उसके राजा था जब क्रांति हुई बोल्शेविक, ठीक है। तो रॉबर्ट ओमन कहाँ का निवासी था मित्रों, तो वह था इंग्लैंड के निवासी, मतलब ब्रिटेन जिसका, ठीक है, ब्रिटेन इंग्लैंड, ठीक है। यूके के भाग ब्रिटेन, ब्रिटेन के भाग इंग्लैंड, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान दीजिए, ब्रिटिश अंग्रेज। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। रूस के समाजवाद एवं साम्य, हिंद चीन से प्रश्न आप बताइए, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में क्लोन किन्हें कहा जाता है, किनको कहा जाता है हिंद चीन में क्लोन बताइए, ये सब तो आपको पता रहना चाहिए। हिंद चीन में क्लोन किसको कहा जाता है, फर्स्ट का आंसर कमेंट करें। क्या विद्यार्थियों को कहा जाता था, क्या सैनिकों को कहा जाता था, या फिर फ्रांसीसियों कहा जाता, फ्रांसीस नागरिक को कहा जाता था, या फिर चीनी नागरिकों को कहा जाता है, बताइए। तो हिंद चीन में जो क्लोन कहा जाता था मित्रों, वह कहा जाता था फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था, किसको कहा जाता था, फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था, इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था। अब जो है अगला क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे, जरा हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, आंसर कमेंट करें। क्या अंग्रेज थे, क्या फ्रांसीसी थे, या फिर पुर्तगाली थे, या फिर डच थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे मित्रों, वो कौन थे बताइए, क्या अंग्रेज थे, क्या फ्रांसीसी थे, या फिर पुर्तगाली थे, या डच थे। वही उतरवा होगा, वही वाला होगा जी, जो पहले सगर पहुंचते हैं। हमारे यहाँ कौन आए थे सबसे पहले बताइए। तो हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वो कौन थे, तो वह जो सही उत्तर इसका हो जाएगा कि हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली थे, कौन थे, पुर्तगाली। तो दूसरा का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब आप बताइए कि अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है भाई बताइए, अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित, ठीक है। तो जल्द से आप आंसर कमेंट करें, ठीक है। क्या मंगरवाट का मंदिर स्थित वियतनाम में था, या फिर वियतनाम में था, या लाओस में था, या कंबोडिया में, या फिर थाईलैंड, तो बताइए कहाँ थे। तो मंगरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है मित्र, हाँ आप बिल्कुल सही जवाब दे पा रहे हैं, बताइए जल्दी। अंकुरवाट के मंदिर का कहाँ स्थित है, तो वह जो है से कंबोडिया में है, ठीक है। तो अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाए थे, तो बताइए अंकुरवाट का मंदिर का निर्माण, अच्छा इसमें ये अगला क्वेश्चन, अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, बताइए अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो इसका आंसर आप लोग जल्द से कमेंट करेंगे, ठीक है। तो अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, तो सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा मित्रों, वह क्या हो जाएगा, सूर्य वर्मा द्वितीय। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा मित्रों, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया था, ठीक ठीक है, बिल्कुल सही जो है। अगला देखिए, पांचवा क्वेश्चन है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, बताइए। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, समझौता किस नाम से जाना जाता है, बताइए। पांचवा का सही उत्तर, मार्च 1946 से फ्रांस से वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना है,
बताइए किस नाम से जाना जाता है, बताइए। जल्द से आंसर कमेंट करें। तो मार्च 1946 ईस्वी में जो फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला जो समझौता है, आप कल्पना भी नहीं किए होंगे कि ये भी आंसर हो सकता था, इसलिए आप लोग ये अभी 80 मार रहे होंगे, लेकिन इसका जो सही उत्तर है डी है, इनमें से कोई नहीं। चूँकि मार्च 1946 ईस्वी में जो फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था, वह उसको बोला जाता था हनोई समझौता। क्या बोला जाता था? हनोई समझौता, ठीक है, हनोई, हनोई समझौता बोला जाता है, हनोई समझौता, ठीक है। चलिए तो 6 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। अच्छा आप बताइएगा हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था, बताइए तो नहीं आंसर कमेंट कीजिए। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? आपको बिल्कुल याद होगा। नहीं तो हो ची मिन्ह का दूसरा नाम, बिल्कुल सही जवाब, न्यूगा नाई कोक। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? न्यूगा नाई कोक था। बताइए 6 नंबर क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखे थे? आप लोग जल्द से जल्द आंसर कमेंट करें। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखे थे? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? ठीक है, ये भी आपको ऐसे ही आपको कंठस्थ नहीं बल्कि कंठस्थ होगा, ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान हुआ करते हैं, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? फान बोई चाओ, चाओ चाओ चाओ, फान बोई चाओ, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। तो 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है, बस जवाब दीजिए ना। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, बताइए। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, बताइए। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? क्या 1965 में हुआ था, क्या 1968 में हुआ था, क्या 1970 में हुआ था, क्या 1975 में हुआ था? आप लोग जल्द से तो आंसर कमेंट कीजिए, आपको आंसर कमेंट करना चाहिए, नहीं तो क्या कहेंगे सर। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का जो एकीकरण हुआ था 1975 ईस्वी में, कब हुआ था? 1975 ईस्वी में हुआ था उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आप बताइएगा मित्रों कि कंबोडिया का राजधानी कहाँ, कंबोडिया का राजधानी बताइए कहाँ, कंबोडिया का राजधानी बता सकते हैं आप, बता सकते हैं कंबोडिया का राजधानी? तो फिर जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए ना, बता सकते हैं तो फिर कर दिए, ऑप्शन ऑप्शन दिया गया, आप आंसर कमेंट करें, करेक्ट आंसर कमेंट करें, और आप क्वेश्चन नंबर दे करके उत्तर दें, ठीक है। तो कंबोडिया की जो राजधानी है वो कौन है? नोम पेन, हालांकि वास्तव में सही होता है फोनो पेन, क्या होता है? फोनो पेन होता है, ठीक है। तो यह कंबोडिया की राजधानी होता है, ठीक है। अरे जो हनोई है ना, यह वियतनाम की राजधानी है, किसका राजधानी है? वह वियतनाम की राजधानी है, ठीक है। और जो कंबोडिया के हो गया, वियतनाम के हो गया, एक लाओस, लाओस के जो राजधानी है कहाँ है? वह है वियांगचान, कहाँ राजधानी है? लाओस के जो राजधानी है वहाँ क्या है? वियांगचान, ठीक है। लाओस का कहाँ राजधानी है मित्रों? वियांग चान, ठीक है। तो ये हो गया कहाँ के, ये हो गया लाओस। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे मित्रों। 9वां नंबर, वियतनाम का एक करण हुआ था, कब वियतनाम का एक करण हुआ था तो बताइए। तो जखनी ने बताया उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का जो एक करण हुआ पूरी तरह से, अगर वियतनाम का एक करण कहेगा तो आप फंस जाइएगा, ऐसा तो नहीं है बात, इसलिए बताइए वियतनाम का एक करण, एकदम एकदम रहना चाहिए और ठस्त सब चीज़। तो 1975 ईस्वी में बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि वियतनाम का एक करण हुआ था, ठीक है। बताइए 10वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जल्द से जवाब दें कि सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था, बताइए सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था मित्रों। इसका जो सही जवाब है कि सिंगापुर जो आज़ाद हुआ था मित्रों, आप सोच समझ के उत्तर दीजिए, ठीक है, सोच समझ के, 1965 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, या 2022 के एनुअल एग्जाम में सेकंड सिटी में पूछा था।
तो आप लोग बताइएगा मित्रों, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? तो यह हुआ था 1965 ईस्वी में, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप ही बताइए मित्रों। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन था। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर जरूर करें। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन जो है आपके पास 3:20 में आपके पास आ जाएगी, या फिर मैं जो भी वीडियो डालूंगा आपके पास जो है नोटिफिकेशन आ जाए और आप आसानी से देख लें, आपको यह पता चले कि हम कौन कौन सी वीडियो हम डालते हैं, आपकी इन सारी चीज़ों की जानकारी हो सके। ठीक है, और लोगों को बताइए, अपने जहाँ जहाँ आप पढ़ने जाते हैं उन दोस्तों को बताइए, ताकि वो भी सीख सके, वो भी पढ़ सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो अब हम वीडियो के यहीं पे लास्ट करते हैं, और उसके बाद फिर अगले दिन 3:20 आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, फिर से आपको जो है क्लास आपको दिया जाए। ठीक है।